सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो पंजाब फास्ट न्यूज़। मैं हाँ तुहाडे नाल सुखविंदर शेरगिल। होले महल्ले ते श्री आनंदपुर साहिब विच कीता जा रहा टेंट सिटी का निर्माण। इस विच लगभग 25,000 के करीब संगत ठहर सकेगी। 350 साल पटना साहिब की तर्ज ते कीता जा रहा है टेंट सिटी का निर्माण। होले महल्ले पर श्री आनंदपुर साहिब में टेंट सिटी का निर्माण किया गया, जिसमें 25,000 के करीब संगत ठहरेगी। 350 साल पटना साहिब की तर्ज पर किया जा रहा है टेंट सिटी का निर्माण। होले महल्ले पर श्री आनंदपुर साहिब आने वाली संगत के लिए इस बार SGPC द्वारा विशेष उपराला करते हुए संगतों को ठहराने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। यह टेंट कीर्तपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में लग रहे हैं। 25 विशाल टेंटों में लगभग 25,000 के करीब श्रद्धालु होले महल्ले के दौरान रह सकेंगे। हेड ग्रंथी केसगढ़ साहिब चरणजीत सिंह की माने तो गुरु गोविंद साहिब जी का 350वां प्रकाश पूर्व, जो कि पटना साहिब में मनाया गया था, वहां पर संगतों के ठहरने के लिए टेंटों का खास इंतजाम किया हुआ था, जो इस बार उसी तर्ज पर श्री आनंदपुर साहिब में टेंट सिटी में तब्दील किया जा रहा है। फिलहाल टेंट लगाने का काम चल रहा है। सिख कौम वालों धार्मिक समागम कराया जाता है, जिते देश विदेश तो संगत बहुत भारी गिणती इतने तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे नतमस्तक होंदिया ने, अपन अरदासा करते हैं, भविखरे अरदासा करते, पाबंदी चढ़ती करारी करते हैं और सरबंध भरे की अरदास करते हैं। उत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी सिखा जी सरमोर धार्मिक जथेबंदी है और जो पास गुरद्वारा साहबान का सेवा संभाल है, उन्होंने वालों भी उचे तौर पर बहुत सारे प्रबंध जो किए जाते हैं। अज भी अभी सारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जो सकत्र ने श्रोमणी अकाली दल के और सिक्ख्या मंत्री ने और सरदार अमरजीत सिंह चावला जनरल सकत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी कमेटी के बाकी मेरे मैनेजर साहब होर सारे कर्मचारी ने वो सारे ने बैठ के सारा जो है वह जायजा लिया कितने सिखागू किमें किमें करना कितने सारे प्रबंध करने हैं। सब दिन ड्यूटियां जो मुलाजमान वो लगा दी गई और मैं आस है कि पिछले सारे रिकॉर्ड जरा ऐतकी का जो जोड़ मिला है वो तोड़ देगा। लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है गुरु घर प्रति, श्रोमणी अकाली दल प्रति, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रति बहुत बड़ा उत्साह है और बड़ी भारी गिरती हुम हवा के जो सारे आने और यह 7 तारीख की रात तो आरंभ हो के 13 तारीख को जो महला निहंग सिंह ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इकट्ठे तौर पर करना है वो जो समाप्त होएगा और संगत अज तो ही भारी गिणती आ रही ने, नतमस्तक हो रही ने और अपना अरदास वगैरह कर रही ने। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो खालसा पंथ दी आसा उम्मीदवार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हें पूरी उतरेगी और उसने सारे प्रबंध जोड़े ने वो किए जाएंगे। इस मौके के उत्ते कानफ्रेंस कर दी और श्रोमणी अकाली दल की बहुत पुरानी रवायत है कि हमेशा ही इस मौके के उत्ते वड्डी अकाली कानफ्रेंस जी है वह श्रोमणी अकाली दल वालों इस जगह के उत्ते की जाती। पार्लीमेंट की इलैक्शन के सू समस्या भी आई सी इलैक्शन कमीशन के वो बावजूद भी असी अपनी जी रवायती कानफ्रेंस सी उदों भी वध चढ़ के की हूँ भी भावें 11 तरीक न जोड़े नतीजे आ रहे हैं पंजाब विधानसभा के और सारे ही हल्कों के लीडर ते आगू 11 तरीक न उत्थे व्यस्त होणगे, पर क्योंकि साड़ी पुरानी ट्रडिशन है ये साढ़े वास्ते ज़्यादा महत्व रखती और दूजी गल है पार्टी की कानफ्रेंस है, इस करके पार्टी हमेशा 24 घंटे भावें कोई इलैक्शन होवे इलैक्शन ना होवे सरकार च होवे सरकार च ना होवे पार्टी हमेशा अपना जिहड़ा रोल है वो हमेशा अदा करती है। इस करके पूरी तैयारी के नाल चढ़दी कला दे नाल सारे होले महल्ले की कानफ्रेंस की तैयारी जिहड़ी है वो की जा रही है। पंडाल लगना शुरू हो गया, वड्डे प्रबंध बाकी भी जिहड़े लंगर पाणी दे संगतां दे बैठन वास्ते पार्किंग वास्ते वो भी सारे किए जा रहे हैं और सानू आस है कि नतीजा भी 11 नूं जिहड़ा चढ़दी कला आएगा तो कानफ्रेंस भी चढ़दी कला होगी। इस करके सारयां नूं मैं अपील भी करदा कि जिवें हर साल इस कानफ्रेंस दे विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदे आ इस वारी भी सारे पंजाब दे मैं वर्करां नूं पंजाब तों बाहरों भी संगत नूं बेनती करदा कि सारे वध चढ़ के इस थान दे उत्ते कानफ्रेंस दे विच भी शामिल होवो, गुरु घर दीआं खुशियां भी प्राप्त करो, तख्त साहब के दर्शन भी करो। ये मौका हुंदा जिहड़ा गुरु साहब ने रवायत इस धरती ते शुरू की है सारयां नूं वध चढ़ के उहदे च हिस्सा लेना चाहिए।